अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे और रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सब को दुनियावी और सवाबी बलाओं से महफूज व मामून फरमाए। आज हम आपको ये बताएंगे कि बारहवीं शरीफ यानी ईद मिलादुल नबी अंग्रेज़ी महीने में किस दिन और किस तारीख को पड़ रही है। तो नाज़रीन किराम, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको सारे दिन और तारीख मालूम चल जाएंगे। नाज़रीन किराम, बारहवीं शरीफ वो है कि जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक ताला ने पूरी दुनिया को सजाया। ज़मीन व ज़मा मकीन व मका को अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी के लिए बनाया, जो कि गरीबों का गमखार, तमाम नबियों का सरदार है। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक ताला ने यह फरमाया कि अगर मैं मोहम्मद अरबी को पैदा ना फरमाता तो अपनी रुबूबियत का इजहार ना करता। तो नाज़रीन किराम, ये बहुत ही अहम दिन है। ये एक ऐसी ईद है कि जो ईद तमाम ईदों पर भारी है। नाज़रीन किराम, बारहवीं शरीफ का चांद अगर 29 का हुआ तो 7 अक्टूबर बरोज़े जुमरात को चांद नज़र आएगा और 8 अक्टूबर बरोज़े जुमा को ईद मिलादुन्नबी की बारहवीं शरीफ की पहली तारीख होगी और इंशाअल्लाह तबारक व ताला 19 अक्टूबर बरोज़े मंगल को बारहवीं शरीफ होगी। ये डेट और तारीख 29 के चांद के मुताबिक हैं। अगर चांद 30 का हुआ तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला 8 अक्टूबर बरोज़े जुमा को बारहवीं शरीफ का चांद नज़र आएगा और 9 अक्टूबर बरोज़े सनीचर यानी हफ्ते को बारहवीं शरीफ की पहली तारीख होगी और 20 अक्टूबर बरोज़े बुध को बारहवीं शरीफ होगी। नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह तबरक व ताला फिर एक नए नॉलेजेबल वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।